हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई क्या कर लेगा अफाक भाई, हम तो एकदम डंके की चोट पर पड़ते हैं कि बरेली आने और जाने में देर मत करना, बरेली जाने और आने में देर मत करना। दूसरा मिसरा याद आएगा तो बोलिएगा, तब ना याद आएगा। हमको कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग। बरेली जाने और आने में देर मत करना, जब तक बोलिएगा नहीं दूसरा मिसरा याद ही नहीं आएगा। बरेली जाने और आने में देर मत करना, जिस दिन याद करा दीजिएगा पढ़ दूंगा। बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मन ताजू शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। अरे वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत हजरत, तो ये इसका जो बरक्स होगा वो यही तो होगा कि रजा के चाहने वाले कहीं जो मिल जाएं तो उनको चाय पिलाने में देर मत। कमेटी वालों स्टेज पे चाय भेजो, ये खाली जगह थी जिसको मैंने पूर कर दिया। चलिए जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोल दीजिए। देखिए हजरत, मैं आफाक भाई, आफाक भाई, मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, समझे? के हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हिम्मत है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, बुजदिल है तो एकदम इत्मीनान से घर जा चले जाइए। हम कभी बुजदिलों की इमामत करने की जिम्मेदारी उठाते नहीं। इसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीसे 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 इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफर पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत इस्लाम, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब कुला, वाह वाह अच्छे, वाह वाह। हजरात कुछ पैगाम भी देना है, कुछ गुफ्तगू भी करनी। मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ, मैं अपनी जमात के उलमा का पैर दबाना भी बाई से अजमत समझता हूँ, समझे? कोई मुझे नहीं कह सकता कि मैं किसी आम आलिम दीन का भी मैं गुस्ताख हूँ, कोई साबित नहीं कर सकता। मैं मदरसे के तलबा का भी एहतराम करता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, बस इतना ही मेरे पास काफी है कि मैंने मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया है, इतना ही मेरे लिए काफी है कि सरकारे कला की मैंने खिदमत की है कलकत्ता में, यही मेरे लिए काफी है। आप माने न माने उससे कुछ नहीं होने वाला, मगर बोलता हूं सरकारे ताजु शरिया ने जो सर पे हाथ रखा था, आज भी डंके की चोट पे बोलता हूं, कल भी डंके की चोट पे बोलता रहूं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।
हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और वारे मेरे आला ये तो हिंदुस्तान है। और अच्छे वाह, कम से कम 24 घंटे में 50 मर्तबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहते हैं। कम से कम 50 मर्तबा हिंदू भी हिंदुस्तान में आला हजरत कहता है। कैसे कैसे? जब बरेली से भुज के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो जिन जिन स्टेशनों पर रुकती है स्टेशन मास्टर बोलता है, अनाउंसमेंट अनाउंसर अनाउंस करता है, कृपया यात्री गण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, हाफिज सद्दाम साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं भारत में एक बाल का शैंपू ही दिखा दो, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं भारत में एक बाल का शैंपू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। फिर पढ़ेंगे बीच में, आप लोग जरा यार रसूल अल्लाह के मोहब्बत से जरा मोहब्बत मोहब्बत का बर्ताव कीजिए, बोलिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहिए, यार रसूल अल्लाह हाथ उठा के लहरा के बोलिए यार रसूल अल्लाह। देखिए मैं बहुत मामूली किस्म का आदमी हूँ, कोई दावा नहीं करता हूँ और मैं ये भी कभी नहीं कहता कि कोई ऐलान करे कि मैं अल्लामा हूँ, मुफ्ती हूँ, ये हूँ, सिर्फ फकीर मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी कहकर मेरा ऐलान करे। पोस्टरों में 4 फीट में नाम जो है अजमत की दलील नहीं है, मुसल्ले पर वक्त पे सजदा कर लो ये अजमतों की दलील है। हजरत बहुत बड़ा मजमा है, मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, इस साइड खिलाओ, इस साइड से ऑब्जेक्शन हुआ था, बहुत बड़ा मजमा था बंबई में। आपका एहसान है जो आ गया। असल मुल्क में रहना है तो चाय से मोहब्बत तो करनी होगी भाई, चाय से मोहब्बत तो करनी होगी। वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। चाय पिलाइए इनको, सवार लगते भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह सुभान अल्लाह को। आप जानते ही मैं कितना सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं, समझे, वो जरी और वो गोटा वो अगड़म बगड़म करने वाला तो मैं आदमी हूँ, सीधा सपाट आदमी हूँ, सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ, समझे, सबसे कम दाम का कपड़ा पहनने वाला मौलवी हूँ। बम्बई में तकरीर कर रहा था, 50,000 का मजमा था, अचानक मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ो, मेरे सरकार ने कहा जो एक मर्तबा मुझ पे दरूद पढ़ लेगा सच्चे दिल से मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा, जिसे जाना हो वही बोले सुभान अल्लाह, और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा कि छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हाँ। आप लोग ट्रायल में, मैं भी ट्रायल में हूं, मुझे कहां उर्दू बोलनी है उसको मुझे महसूस करना है और कहां आपसे बुलवाना है उसका भी एहसास करना है। जैसे ही मैंने ये हदीसे पाक पढ़ी, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, मैं जुमले हजरत सही बोलता हूँ, जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, कोई शक नहीं, जाहिल अनपढ़ को नहीं बोलते, वो तो अंगूठा छाप, पढ़े लिखे को ही जाहिल कहते हैं,
इस्लाम से पहले मक्का का सबसे बुद्धिमान जिस आदमी को अम्र बिन हिशाम को लोग उसके रोब दबदबा काबिलियत से अबुल हकम कहते थे, उसी अबुल हकम को हजारों मोजजात देखने के बाद जब ईमान नहीं लाया तो मेरे नबी ने अबू जहल कहा है। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया और मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, मौलाना चुप रहो, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। हमने कहा क्या कहा हमने? कहा तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को अपनी चादर में समेट लेंगे। मैंने कहा ठीक तो कहा था। बोला दलील भी दोगे तो नहीं मानूंगा, इसलिए कि कोई भी मान ले मगर आज की साइंस इसको मान नहीं सकती। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, मुझको मायूसियों के कब्र में दफन मत कीजिए, इसलिए कि मैं अपने साथ मिट्टी देने वाले हवारियों को लेकर नहीं आया, समझे? साइंस तस्लीम नहीं करती। चढ़ गया बरेली का रंग, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। मैंने भी गुस्से में कहा अगर माँ का दूध पिया है बाप का असली बेटा है, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास, आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे मुस्तफा चादर में उम्मत को समा लेंगे। कहा मौलवी और साइंस का बे हिम्मत है तो आ। मजमा चीर के आया, वो लिबास अफाक भाई, वो सूट फूट, वो ठाट बाट, वो स्टाइल कि देख के मैं रोग का शिकार हो गया। जैसे अल्लामा शेर मोहम्मद साहब मेरे करीब आया, अचानक मेरी आंखों से दो चार कतरे आंसू के गिर गए। तो कहता है मौलाना डर से रो रहे हो? मैं कहा नहीं बे, डर से नहीं रो रहा हूँ, हैरत से रो रहा हूँ। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। कहा मौलाना कसम खुदा की दौलत की कमी नहीं है, लोग गद्दों पे सोते हैं जिसमें रुई होती है, फॉर्म होता है, मैं तो नोटों के गद्दों पे सोता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दो चार कतरे और मेरी आंखों से निकल गए। कहा कसम परवरदिगार की अगर ये दौलत बजाय तेरे पास के मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर मैं गुंबद खदरा की जियारत करता, रौजा रसूल जियारत करता, मस्जिद नबवी में सजदा करता, रियाजुल जन्नत की अजमतों को अपने दामन में समेटता। इतना कहना था नौजवान कहता है अगर दिल खोल कर रखिएगा तो मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। उलमाए किराम से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा ये कुछ न करें, इस गुनहगार को दुआ देते रहें। अल्लामा शेर मोहम्मद जैसा आदमी जब मेरे दाहिने बाजू पर बैठा है, अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी जब मेरे बाएं बाजू पर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार लग ही जाएगा। अकबर भाई मैं आपके साथियों को मुबारक बात देता हूं कि आपने बड़े बड़े मौलानाओं के गुलशन में से एक छोटे से मामूली फूल की पत्ती को तोड़कर सैफुल्लाह अलीमी की शक्ल में आपने अपने स्टेज पर लाने की कोशिश की है। मैंने कहा बेटा आ जा करीब। कहा मौलाना मदीना देखना है। हमने कहा कौन बेवकूफ है जो नहीं देखना चाहता? कहा मौलाना अगर इजाजत दो तो मैं 30 सेकंड में तुमको मदीना दिखा दूंगा, तुम्हें 30 सेकंड में दिखा दूंगा, पूरा मजमा तवज्जो दे, ध्यान दे। मैंने कहा ओरिजिनल मदीना दिखा होगे? कहा एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। कहा अगर हिम्मत है तो दिखा दे। बगल में माइक वाला बैठा है, माइक वाले के पास गया, उसने वहां से पावर लिया है, अब स्टेज पर बैग रखकर अपना बैग खोला है, एक लैपटॉप निकाला है, लैपटॉप निकालकर उसे ऑन किया है। जब उसमें पावर आ गया तो उसको ऑन करके उसके माउस से खेलता रहा, खेलते खेलते 25 सेकंड हुए होंगे, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो करोड़पति इंसान अपना कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खदरा है, ये रौजा रसूल है, ये रौजा रसूल है, ये रियाजुल जन्नत है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाब सलाम है, वो बाब फातिमा है, वो बाब बकी है, वो बाब जिब्रील है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयार फातिमा है, वो दयार हलीमा है, वो दयार उस्मान गनी है। जैसे ही मदीना दिखाया मैंने कहा बेटा
मक्का भी मैंने नहीं देखा है, जरा देखा दे क्या मौलाना, 20 सेकंड में दिखाऊंगा। 20 सेकंड तक वो अपने माउस से खेलता रहा, बस आप जिंदा रहिएगा मैं जिंदा हो जाऊंगा, माउस से खेलता रहा। 21 सेकंड के बाद पूरा शहर मक्का जब उसके स्क्रीन पर आया है तो फिर कलेजा ठोक कर कहता है, ओ मौलवी देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफ काबा है, ये हजर असमद है, ये मुलतजीम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये मताफ है, वो मिजाज रहमत है, वो मीना है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मुज़दलिफा है, वो अराफात है। जरा एक है, एक आवाज में बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा देख भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, कहा मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा, फट से दिखा दिया। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, आज तक मैंने भी नहीं देखा है, कहा 5 सेकंड में दिखा दूंगा। हमने कहा प्यार की राजधानी लोग ताजमहल को कहते हैं, आज तक हमने ताजमहल भी नहीं दिखाया है, कहा मौलाना 2.5 सेकंड में दिखाऊंगा। मक्का भी दिखाया, मदीना भी दिखाया, लाल किला भी दिखाया, कुतुब मीनार भी दिखाया, ताजमहल भी दिखाया। तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अब तेरी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत को चादर में समा लेंगे। कहा कैसे, हमने काबे जाली जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मुस्तफा की चादर में ये सारे लोग क्यों नहीं समा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, अजमत रसूल आजम, अवाम अहले सुन्नत, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह मुबारक हो माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए प्यार से, बोलिए प्यार से, आप लोग जरा सा मुझको संभालिए ताकि मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश कर सकूं। थोड़ी देर के लिए मुझे आप लोग संभालिए। देखिए ये आफाक भाई हैं, ये मुस्कुराते हैं तो लफ्जों के गुहर झड़ते हैं, ये आंख बंद कर लेते हैं तो मोतियों की लड़ी ताजमहल के बिजड़े में कैद हो जाती है। ये अल्लामा अब्दुल वकील अजहरी हैं, जब ये इल्म की बिसात पर अपनी चाले चलते हैं तो जुमले उछल उछल कर शरीयत के कटोरों में गिरने की सआदतें हासिल करते हैं। ये अल्लामा शेर मोहम्मद है, जब ये थाड़ देते हैं तो मसलके आला हजरत के बागी गीदर गन्ने के खेतों की तरफ भागते हैं और अपनी दुम दमाकर छुपने की वो पनाहें तलाश करते हैं। ये सब लोग हैं मगर मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ। देखिए टोपी कब पहनेंगे, जब सर होगा तब ना, चश्मा कब लगाएंगे, जब आंख होगी तब ना, सूंघेंगे कब, जब नाक होगी तब ना, सुनेंगे कब, जब कान होगा तब ना, चबाएंगे कब, जब दांत होगा तब ना, बोलेंगे कब, जब जबान होगी तब ना, चलेंगे कब, जब पांव होगा तब ना, हाथ काम कब करेंगे, जब हाथ होगा तब ना, क्या पता चला। अगर आप मुझे संभाल ले जाते हैं तो मजा आएगा। क्या पता चला, शेर मोहम्मद पहले, मौलाना बाद में, आफाक पहले, अनाउंसर बाद में, अब्दुल वकील पहले, मैं अजहरी बाद में, सैफुल्ला अलीमी पहले, मुकर्रर बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, चश्मा बाद में, दांत पहले, चबाना बाद में, जबान पहले, गुफ्तगू बाद में, जमीन पहले, ये शामियाना बाद में, स्टेज बाद में, स्टेज बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, रवानी बाद में, प्यास पहले, आसूदगी बाद में, आसूदगी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, चमक बाद में, सितारे बाद में, लपक बाद में, जहन को बनाइएगा, माइक पहले, आवाज बाद में, पंखा पहले, हवा बाद में, पेड़ पहले, फूल फल बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, जहन को करीब कीजिएगा, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूमे कचौचा बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में, मुफ्ती आजम पहले, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, और आगे बढ़ो, अलाउद्दीन पहले, साबिर किया बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो,
गौसे आजम पहले, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलम्बादार बाद में, जमीन पहले, फुरात बाद में, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्ला बाद में, खालिद पहले, सैफुल्ला बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल रुंबक बाद में, अबू ज़र पहले, बैतरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, रिवायत बाद में, अब्दुल्ला इब्ने मसूद पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, अज़ान बाद में, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफीउल्ला बाद में, नूह पहले, नजीउल्ला बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्ला बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्ला बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्ला बाद में, ईसा पहले, रूहुल्ला बाद में, मगर मेरा मुस्तफा रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा पा। नारे तकबीर, वही बीच से खड़ा हो जाए, नारा लगाए माशाल्लाह, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, वाह लगा जल्दी लगा, हाँ माशाल्लाह, वो नारा लगाने वाले कहाँ गए चचा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्ने आमदे रसूल, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, उलमाए जमीन एहतराम, वाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप उस पे पानी फेर दे, बहुत अच्छी, वाह एक लय के साथ आगे बढ़िए, हौसले के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छी, तब ना मजा आएगा, फिर बोल दो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, लहरा के बोलो, झूम के बोलो, मस्ती में बोलो, इश्क में बोलो, मोहब्बत में बोलो, प्यार में बोलो, निसार हो के बोलो, नबी की मोहब्बत में डूब कर बोलो, और जोर से बोलो, देखो हम किस नबी की उम्मत, किसका कलमा हमने पढ़ा, बज़ाहिर मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए छह दिन हुए, छह दिन, हजरत हलीमा के शौहर ने कहा बेगम अब्दुल मुत्तलिब का घर तो आज तक देखा नहीं, कैसे पता चलेगा कि अब्दुल मुत्तलिब का घर कौन है? हजरत हलीमा कहती हैं मेरे सरताज मैंने ख्वाब देखा है कि जिस घर का बच्चा मुझे मिलेगा उस घर से रोशनी का एक मीनार आसमान की तरफ बुलंद हो रहा होगा। तवज्जो दें आप, आपने बहुत वक्त बाद पहले निकाल दिया, मेरे लिए वक्त की कमी है। सब तलाश करने वाले मकान की तरफ नजर डालते मगर हजरत हलीमा आसमान पे नजर डाल रही, किस घर से नूर का हाला निकला, नूर की शुआएं किस घर से निकली, पता नहीं किस खमीर के आप लोग हैं, अभी भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग आपस की गुफ्तगू में मशगूल हैं। मैं लतीफा सुनाने वाला मौलवी नहीं हूं, वरना लतीफा सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो वो आदमी हूं कि बैठे बैठे लतीफा बना देता हूं और इतना सुना दूंगा कि सपने में भी हंसते रहूंगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, मैं हंसा के चला जाऊंगा, तुम हंस के सो जाओगे, मैं दीन देना चाह रहा, नबी की शरीयत देना चाह रहा, सुभान अल्लाह बोल के उसे लीजिए, सोचिएगा कि हर वक्त हर बात पे हर लफ्ज पे मैं आपको कहूं कहिए, ये भी मुमकिन नहीं। दिल उधर लगा हुआ, ज़हन घर की तरफ लगा हुआ है, आप दुआ करें अल्लाह आफियत अता फरमाए। पहुंच गई मेरे नबी के घर हजरत हलीमा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
आपसे ज्यादा तो अकलमंदी का मुजाहरा औरतें कर रही हैं। कम से कम एक अनोखी रिवायत काम कर रही है कि इतनी औरत बैठी हो और इतना खामोश हो, ये इनकलाबी है। वरना दुनिया का सबसे टेढ़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती। कई बरसों के बाद एक बड़े दानिश्वर ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28-29 का होता है, इसलिए वो कम बोलती। वो तो अपने वसूल पे अमल कर रही है, मगर आप अपने वसूल पे अमल नहीं कर रहे। हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को, मैं ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उठाया, मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे, आराम करने। अरे देखो ना इधर, मुझसे भी खूबसूरत है क्या आज कोई? हाँ, हम तो चैलेंज करके बोलते हैं। एक गोंडल में रहते हैं। नहीं, इस वक्त मुझसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। इस वक्त सबसे हैंडसम मैं हूं, चाहे जितना मेकअप कर लो आप। इसलिए कि मेरा अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर जब बिलाल खूबसूरत हो सकते हैं, तो नबी का जब तक मैं जिक्र करता रहूंगा मैं खूबसूरत रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत रसूल आदम, जश्न रहमत आलम। चमड़ी देखकर, रंग देखकर भी आ करते हो? अबे सीरत देखकर शादी कर, ये देखकर शादी कर के जिस लड़की को दुल्हन बना रहा है वो नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं जानती? सूरत देख के करोगे 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। 5 घंटे में बेहोश हो जाओगे। एक आदमी शादी करके लाया, सुहाग रात के बाद दोस्तों से मिलने गया दिन में, और सुबह मिल के जब घर में आ रहा है तो देखा कि जो नौकरानी झाड़ू दे रही है, हैरत से देखा मेरी बीवी का कंगन इसकी कलाई में, मेरी बीवी का टीका इसकी पेशानी पर, मेरी बीवी के सोने के बाले इसकी कलाई में। तो धीरे धीरे जा रहा है और जाके पीछे से पकड़ लिया। अम्मा, बोला क्या हुआ? बोला चोर। बोला कहा? बोला तेरी बहू का सर जेवर चुराए हुए है, देखिए नौकरानी। माँ दौड़ी आई और झाड़ू देने वाले पे नजर पड़ी तो मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी है। कहा हुआ अम्मा? बोला बेटा ये चोर थोड़ी है, ये तो तुम्हारी बीवी है। बोला रात? बोला मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। और रंग देख के करो, सीरत देख कर करो के नमाजी है क्या नहीं। सुभान अल्लाह, मेरे सरकार हजरत हलीमा की गोद में आराम करने लगे। ये मत कहिएगा कि हजरत हलीमा ने उठा लिया, आराम करने लगे, आराम करने लगे, आराम करने लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लीजिए। अरे दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है वो। नहीं नहीं, मजाक नहीं, वो मेरी, खाइए उसको। अरे बहुत बड़ी नेमत है। आज तक अगर हिंदुस्तान का वहाबी इस सूरती को, जिसको बिहार में खैनी कहते हैं, अगर समझ जाए तो बदअकीदगी से तौबा कर दे। इतना टेस्टफुल कोई नेमत हो तो ले आओ, इतना जायकादार कोई माल हो तो ले आओ। क्या लज्जत है, क्या जाज़बियत है इसमें आफाक भाई, कि एक एयरपोर्ट हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, जहां एक आदमी बनाया बगल वाला मारेगा क्यों नहीं थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। अबे जब भारत की खैनी में इतना दम है तो मेरे गौस की शीरनी में कितना दम होगा यार। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। बस वो मामला था, हो गया। हाँ वो मैं समझ लूंगा उनसे बाद में। हजरत हलीमा की गोद में मेरे सरकार आराम करने लगे, सुभान अल्लाह। अब आपको समझाने में वक्त गुजर रहा है, अब मैं आग बंद करके बोलूंगा।
मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली, मेरे सरकार को लेके चली। जब तक दीवार वगैरह के साए में थी टेंशन फ्री, मगर जैसे ही दीवार वगैरह के साए से निकली ना, एकदम खुला आसमान जब आया तो हजरत हलीमा मेरे नबी के चेहरे को देख के कहती है, इतना खूबसूरत बच्चा तो आज तक देखा नहीं था, होठ है या मेहराब हरम, जुल्फ है या काली घटा। वो तारीफ करती चली जा रही है, अचानक धूप का डर हुआ कि कहीं इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे पे ना पड़ जाए। अचानक बादल का टुकड़ा आया है और मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया है, मेरे नबी के ऊपर साया करता हुआ चला गया। हजरत हलीमा देख रही है, देख रही है, फिर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। मैं लतीफों में वक्त को गुजारना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग तो एकदम जहन का मर्डर कर दे रहे हैं, दिमाग का कत्लेआम आप लोग कर दे रहे हैं। मैं ये क्या जानता था कि आप लोग गुफ्तगू कीजिएगा और मेरी गुफ्तगू को कान के परे डाल दीजिएगा। हजरत हलीमा लेके चल रही है, सवारी का जानवर इतना नीम मुर्दा था कि सारी औरतों ने साथ छोड़ दिया था। अब चुपचाप मुझे वक्त पास करने दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आपको सुनना है सुनिए, न सुनना है सुनिए, मुझे टाइम पास करने दीजिए। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही उस नीम मुर्दा जानवर पे बैठी है मेरे सरकार को लेकर, घंटों पहले जो औरतें हुदूद मक्का से निकलकर आगे बढ़ गई थी, मिनटों में सबको ओवरटेक करके आगे बढ़ गई है, तो उन औरतों ने कहा था, ए हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिला है कि तुमने ताजा उत्तम जानवर खरीद लिया है? तो हजरत हलीमा ने मुड़कर कहा था, बहनों मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है, इस पर बैठने वाला बदल गया है। हजरत हलीमा जब अपने गाँव में पहुंची है, 6 महीना से जमीन से घास का एक जो है घास की एक कली भी नहीं निकली है और किसी जानवर के थन में दूध तक भी नहीं है, किसी जानवर के थन में दूध भी नहीं है। मगर जैसे ही मेरे सरकार को लेकर हजरत हलीमा जमीन पे खड़ी होती है, तमाम जमीनों में घास निकलने लगी है और तमाम थनों में जो है दूध भरने आने भर भर गया है। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा है? हजरत हलीमा ने आंख बंद करके कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत हलीमा एक इंसान है, पहले के लोग बहुत अक्लमंद हुआ करते थे, जरूरत की हर चीजें बाहर रखते थे, पहले के लोग बहुत सूझबूझ वाले होते थे। अकबर भाई, पहले जो सेठ साहूकार होते थे ना, वो दरवाजे पे आदमी रखते थे कि घर में कुत्ता ना घुस जाए। मगर आज जो मालदार होता है ना, वो दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं कोई आदमी ना घुस जाए। तहजीब बदल गई है, इंसान की सोच का जाविया बदल गया है। हजरत हलीमा भी रात को निकली है और निकलने के बाद अपनी जरूरत के तहत बाहर गई है, आसमान पे नजर गई है, देखा चांद ऐसे ऐसे कर रहा है, घबरा कर कलेजा थाम लिया है, लगता है कयामत आने वाली है, लगता है कोई अजाब आने वाला है, लगता है कोई पहाड़ आसमान से गिरने वाला है। नजर मेरे नबी के झूले पर गई है तो हजरत हलीमा तंग है कि मक्के का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में आ रहा है। आई बात खत्म हो गई, अब चलो रात गुजर गई है, दिन का उजाला फैल गया है। हजरत हलीमा सादिया है, अपनी चारपाई पे बैठी हुई है, पड़ोस की एक औरत आती है कलेजा पीटता, ए बहन गजब हो गया, तू जानती है 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया, उसके मरने के 3 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वो बेटा बड़ा खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना था, मगर 3 महीने से मेरा बेटा बर्फ की तरफ पिघलता चला जा रहा है और मेरा बेटा बिस्तर में चिपक गया है, आज तो आखिरी सांस लेने की बारी है। ए हलीमा, तू डॉक्टरों का पता जानती है, ए हलीमा बता जो मेरे मुर्दा बच्चे को ठीक कर दे, ऐसा कोई मालिश बता। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की है, सुबह का मंजर निगाहों में, दोपहर का मंजर निगाहों में, रात का मौजजा निगाहों में, पल पल की निगाहें निगाहों में, कहती है, ए बहन जा अपने घर जा और रुक जा, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर पिला देना, मेरा दावा है अगर 2-4 कतरे भी तेरे बेटे ने पी लिया तो सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। कहा, बहन जिंदगी की ये रोशनी दे दो, हयात का ये उजाला दे दो, जिंदगी का ये नुस्खा कीमिया दे दो। हजरत हलीमा घर में गई है और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई है और कहती है, ले जा जैसे हो पिला दो, लोगों दावा था शाम को तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर तारीख कहती है कि दोपहर में उस औरत का बेटा मैदान में जब दौड़ने लगा है तो औरत कहती, हलीमा सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा ने आंखों में आंसू लाकर कहा, बहन जादू नहीं था, कल शाम मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को हमने पिला दिया। तब बरेली के मामा मदरजा ने कहा कि जिसके कलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने आमदे रसूल, रिफाते रसूले आजम। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज़, जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान की महफिलों में कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं। सना खाने रसूल मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबाद, उनको देखने का शरफ आपको हासिल हो गया है। हुज़ूर शाह अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की तकरीर के बाद उनको सुनने का शरफ भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। अपने मिजाज की तकरीर सुनिए। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने मिजाज में, अपने रंग में आपको ढालूं, करम फरमाया, मगर आप साचे पर उतर नहीं रहे। जैसे लग रहा है कि आप 30 साल की उम्र में बोल रहे हैं, कसम। आप कैसे समझ रहे हो कि डरपोक बने हुए हो? कम से कम हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तानी होने का हक अदा करो। ये मेरे बाप हजरत आदम का मुल्क है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। आफाक भाई, जहन पे बात आ गई, बोल दूं, इजाजत है आपकी? बिल्कुल अजहरी साहब, इजाजत है। मत पूछ मौलवी से कि हिंदुस्तान पे हमारा कितना हक है। मत पूछ किसी मुफ्ती के फतवे से, किसी कलमकार की तहरीर से। चल पूछ, पूछ जोग्राफिया वालों से, साइंस वालों से, फिजिक्स वालों से, मैथ वालों से, हिंदुस्तान क्या है, क्या है? तवज्जो है नहीं, लेकिन मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली अजान न काबा में न मदीना में, पहली अजान हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बाल बच्चा बोल देगा, कोई हर्ज नहीं है, बोलिए चाहे मत बोलिए। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में, पहला मनुष्य उतरा हिंदुस्तान में, जिब्रील जमीन पर पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, पहली बार आए तो हिंदुस्तान में। और यकीन न हो तो पूछो साइंसदानों से। आए दुनिया के साइंसदानों, दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है, तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, मगर बता क्या कंडीशन है? आफाक भाई दुआ दे। दुनिया का साइंसदान कहता है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। एकदम तैयार रहिएगा, एकदम नेटवर्क में रहिए, वरना इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो अकबर भाई 88 डिग्री पे तुलू होता है। और जब हिंदुस्तान का नंबर आता है तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है, ऐ लोगों, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब बताओ बैंक जाते हो कि नहीं आप? अरे भाई जाते हो ना, जिंदगी में एक के बार लेकिन जाते हो ना। ट्रेन पे टिकट रिजर्व करके चढ़ते हो कि नहीं, बोलो भाई, करते हो ना? फ्लाइट से जाना हो तो एयरपोर्ट में घुसते हो ना? तो क्या बैंक में जाओगे तो बगैर आईडी का काम चल जाएगा? बोलो, पूरा मजमा बोलो भाई, बगैर आईडी का काम चलेगा? ट्रेन में रिजर्व टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? प्लेन का टिकट हो तो बगैर आईडी का काम चलेगा? हाय रे बकलोल, कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं, कितने बड़े हम लोग अकल के टूअर हैं। बैंक में जाए तो आईडी,
स्टेशन में जाएं तो आईडी, एयरपोर्ट पे जाएं तो आईडी, और जन्नत में जाने की तमन्ना है और आईडी है ये नहीं। अबे तमन्ना से पहले आईडी भी तो बना। जन्नत में जाने की आईडी का नाम है नमाज और इश्क़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह कहिए, नमाज और इश्क़े मुस्तफा, अगर ये दोनों रहे तो जन्नत की आईडी होगी। क्या कहने, वाह। और एक जुमला बोल दूं मैं आफाद भाई जी, करो फरमाएं आपकी खिदमत। हाँ जी, क्योंकि आपके दस्तरखान पर ही ये जुमले के कटोरे रुक सकते हैं, करो फरमाएं, वरना तश्तरियों में डालूं तो फिसल जाएंगे, फिसल जाएंगे। हम लोग जन्नत में जाएंगे नहीं, चाहे जितनी मेहनत करो, हम लोग इतने नसीबे वाले हैं, इतनी अजमत वाले हैं कि हम लोग जन्नत में जाएंगे नहीं। हाँ, नहीं जाएंगे हम लोग, इतने अजीम है कि हम लोग जन्नत में ले जाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे जाना और है, ले जाना और। बहुत अच्छा, वाह। अब जल्दी जल्दी बोलो, खाना में रोटी खाते हो, चावल भी खाते हो? इसमें भी बोलने में पैसा लग रहा है क्या? चावल नहीं खाते हो? खाते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो जो मैं पूछ रहा हूँ। 10 आदमी का परिवार हो तो कितना किलो चावल बनेगा, ये आपको बोलना है, जल्दी बोलो। अपने हिसाब से बोलो ना भाई। या अल्लाह, जो न बोले उनके मुकद्दर में कभी चावल ना आए। जल्दी बोलो, कितना बनेगा 10 आदमी पर? 2 किलो? भाई कोई बोलो ना, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, जल्दी बोलो, 2 किलो में कै पीस चावल है? बड़का बड़का पीर साहब भी नहीं गिन पाएगा। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो टीचर नहीं गिन पाएगा, वो साइंसदान जो नट बोल्ट कस के चंद्रयान 3 बना दिया वो भी नहीं टोटल कर पाएगा कि 2 किलो में कई पीस चावल है। इन औरतों को मारते हो, बीवी बनाकर लाते हो तो धक्के देते हो, तू फिर तुम्हारी जिंदगी पर। अबे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, तुमको एहसास भी है? चाइना इसको नमस्कार करता, जर्मनो जापान इसके कदमों की खाक चाटता। कितनी बड़ी साइंटिस्ट ये महिला बिरादरी है, ये लेडीज यूनियन। चलो जरा उनकी खिदमत में। 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका उसको बनाने बैठी, वो पकाने, धोया, चूल्हे पे पानी चढ़ाया, पानी ने उबाल खाया, औरत ने चावल ढोल के डाला, 10-15 मिनट ने पानी ने चावल ने रंग बदला। तवज्जो देना, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, जिन चावलों को ये मर्द न गिन सका 10 मिनट के बाद उन चावलों में औरत ने उसकी पतेली में चमचा डाल के हिलाया, हिलाया, उसके बाद एक चमचा चावल उठाया और मुस्कुराते हुए उसमें से एक को पकड़ के दबाया। जैसे ही दब दिया तो औरत मुस्कुरा के कहती है, सब हो गया, पाप ही पाप। इतनी बड़ी साइंटिस्ट है और आप उसको सलाम तक नहीं करते? कितना बड़ा रिसर्च है ये। मैंने हैरत से कहा है, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये साइंस का सबक तुमने कहां से पढ़ा? बोला क्या? बोला जिन चावल को मर्द ना गिन ना सका उसको दबा के तुमने एक को दबा के सबको ओके कर दिया। तो औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसमें मेरा क्या कमाल है, अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक बन फटा होगा तो सब बन गया, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। कारे लोगों, यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नहीं जब तक बोलिएगा मैं यही लफ्ज बोलता रहूंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें। अबे कलुआ,
कलुआ जब अली अली करके धूम मचा सकता है तो ये गोरा नबी नबी कहके क्यों नहीं धूम मचा क्यों नहीं धूम मचा सकता? मेरे नबी कहते हैं नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, मर जाओ। मगर याद रखो कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। एक नंबर पे हिसाब किसका होगा? नमाज का। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जब एक में पास हो गया तो ये मेरे महबूब की उम्मत है, जा सब में मैंने अपने फजल से पास कर दिया। अब बताओ इतना सुनने के बाद कई आदमी है जो नमाज पढ़ेगा? लाल पगड़ी वाला लोग कहाँ गया? अकबर भाई लाइए घसेट के सबको, लाल पगड़ी सब यहाँ गया। पगड़ी उतारो मत, पगड़ी बांध के सब सामने आओ। आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए, आ जाइए भाई, ओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ सुभान अल्लाह, कोई हंसेगा नहीं। आओ जो नहीं आए हैं किसी काम में फंसे हैं, अकबर भाई मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। आप इस इलाके के बहुत बड़ी कमेटी के मेंबरान हैं, अगर मुअज्जिन अजान दे और नमाज ना पढ़े तो क्या लोग उसको अजान देने देंगे? हफ्ते में एक दिन इमामत करे मौलवी और छह दिन गायब रहे साइकिल मोटरसाइकिल पर चुपचाप घूमता रहे कोई इमामत करने देगा? अगर पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर लेकर चलना है तो सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। बोलिए आप नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाकर बोलिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, लोगों को पढ़ने का दर्द भी देंगे। अब बैठिए अपनी अपनी जगह पर, अब मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। बहुत अच्छे काम कर दिया माशाल्लाह आपने, सुभान अल्लाह। 10 मिनट है अभी मेरे पास, मैं बताता हूं नमाज पढ़ने की फजीलत। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, अब हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है, वरना उर्दू हम तो इतनी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं बंगाल में रह के, सोच लो पत्थर के नीचे से घास का निकालना आसान है मगर बंगाल में रह के उर्दू बोलना आसान नहीं। बहुत मुश्किल काम, मगर आला हजरत का ये गुलाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये खादिम सरकारे ताजू शरिया का असीर सादाते कछौछा पर दीवानावार जिंदगी निसार करने वाला ये गुनहगार इतना हौसला रखता है कि मैं आपको एक डोर में बांध सकूं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आजकल भिखमंगों की कमी है, फकीरों की कमी है, बोलो भाई। हर घर में दो चार फकीर तो होगा ही, इंटरनेशनल फकीर होगा, लाइसेंस होल्डर फकीर होगा हर घर में दो चार। बहुत कम घर होगा मुसलमानों की बस्ती में जहां एक फकीर होगा, वरना ज्यादातर घर में दो चार फकीर होंगे हर घर में। ये जिंदगी में एक ही मर्तबा भीख मांगता है, जब ये किसी लड़की से निकाह करने उसके घर जाता है तब। इंटरनेशनल भिखारी ससुर को बोलेगा सोने की चैन दो, सोने की अंगूठी दो, पलंग ऐसा हो, मोटरसाइकिल ऐसी हो, सोफा ऐसा हो, गद्दा ऐसा हो। अरे भीख ही मांगना है तो अपने आस पड़ोस की बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो हौसला बना, सीधे चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। बोलो, हम तो एक बेटी के बाप भी हैं, आपके आप लोगों के पास भी बेटियां होंगी कि नहीं होंगी? तवज्जो दीजिए,
एक बाप कितना फूंक फूंक कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता करता है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा मेरे बाद भी, बहुत बड़ा खिताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब से सुनना है, अहमद उल फत्ताह साहब से कलाम भी सुनना, मगर मैं गुनहगार हूँ, पैगाम देके जा रहा हूँ। रिश्ते हमेशा ठीक नहीं लगते। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक परहेजगार नमाजी औरत का रिश्ता कंजूस मक्खी चूस बखील गुनहगार लड़के से हो गया। है तैयारी है या मैं यहीं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूं? हाँ, सब मौलाना पढ़ता है, वाखर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के औरत जब नमाज पढ़ने की कोई खबरदार, मेरी आंखों के सामने नमाज नहीं होना चाहिए। रोती गिड़गिड़ाती रब की बारगाह में, मगर जैसे ही शौहर जाता सर को सजदे में डालकर सुभान रब्बी अलाला कह देती थी। इमाम गजाली फरमाते हैं मई जून की गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, भयानक मौसम, दोपहर का वक्त है, तवज्जो दीजिएगा तब मजा आएगा। एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहा खाना लाओ। तस्बीह पर सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत तस्बीह छुपाई, कहा हुजूर अभी लेकर आती है। कौम की बेटी हो, अगर तुम बासलीका अंदाज अपनाओ तो तुम भी जुमले पे गौर करो। एक जालिम की बीवी नेकोकार मगर बद्दुआ नहीं कर रही है शौहर के लिए। जब वो पलट के जा रही है खाना लाने तो ये कहते हुए कि अल्लाह गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को नेकोकार बना दे, दुआ कर रही है। काश यही मिजाज अगर आज की बेटियों का हो जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं? तवज्जो दें, ध्यान दें। बहुत बड़ी तकरीर सुनिए, मगर उससे पहले छोटी तकरीर समाप्त कर लें। खा रहा है, नौकोकार ने खाना दे दिया, चश्मा दिख रहा था। आपको नहीं कहा, मैंने इनको कहा बुरा मत मानिएगा शेर मौत। हाँ आएंगे, जरूरत से तहत कोई भी जा सकता है ना। क्या कह रहे थे, भूल गए। नेकोकार खा रहा है, गुनहगार खा रहा है, नेकोकार औरत पंखा चल रही। इतने ही देर में एक फकीर आया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा, बखील मक्खी चूस चंदा देगा? वो मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या कि इस घर में भीख मांगने आ गया? जब तक औरत ने आंचल की गिरा खोला, दो चार रुपये जो थे निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। मैं कमेटी वालों को, पूरी बस्ती के नौजवानों को सामने रख कर ये जुमला कह रहा हूँ। दुआ दिया चला बना, मगर कंजूस चैन से रहेगा, मार घुसा के एकदम अपनी बीवी को जख्मी कर दे, और हर मुक्के पर वो कहती है सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, दीवार से टकरा दिया, औरत बेहोश होके गिर गई, चला गया जालिम। थोड़ी देर के बाद औरत को होश आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। होश आया तो अपने ही हाथ से अपने जख्मों का इलाज किया। भूख लगी, शौहर ने जिन रोटियों में लात मारी थी उसको उठाया, आंचल से साफ किया, खाने को बैठी तो एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? और नाव देखा न था, सारी रोटियां उठाकर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर यहां भी मुस्कुरा कर कहता, बेटी अल्लाह तुम्हें यहां भी खुश रखे, वहां भी खुश। मगर फकीर अजीबो गरीब फकीर है, रोटी को छुपा कर नहीं, हवा में नचाता हुआ, इल्लल्लाह 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 इन्ना लिल्लाह
इल्लल्लाह पढ़ता हुआ जा रहा। इत्तफाक कहिए, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। कंजूस ने आंख मल के देखा, कहा अरे बाबा मेरे मोहल्ले में खैरात। फकीर ने कहा अबे मोहल्ले की बात करता, हम तो तेरे घर से लेके आ गया। कंजूस हिल गया, बोला बाबा किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। गुस्से में एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई। पहुंचा घर, कहा तुमने दान किया? बोला हाँ। मेरी मार भूल गई? कहा याद है। अभी भी जबा करना है? कर, गला काटना है? काट, मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं कहा। रुक तुमको बताता हूँ, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता। खेती करने वाले लोग जिससे जमीन खोदते हैं क्या बोलते हैं उसको? फावड़ा। फावड़ा उठाया, दो आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई। जब आग के शोले हवा से बात करने लगे, तब इसने सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत को गोद उठाया, जलते हुए तंदूर में रखकर ऊपर से पत्थर रख दिया। क्या जो मेरे घर में खुदा का नाम ले उसे जल जाना बेहतर। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं दिन गुजरा, अब जरा सा जाग जाइएगा। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, तीसरा दिन गुजरने वाला है कि जालिम अपने घर आया। देखा चट्टान का टुकड़ा उसी तरह, अगल बगल जमीन की गर्मी उसी तरह। सोचा चलो पत्थर का टुकड़ा हटाकर उस गड्ढे को भर दे, वरना हम ही मर जाएंगे। अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी। मगर 80-90 घंटे के बाद जब जालिम ने पत्थर का टुकड़ा उठाया तो फेंक कर एकदम हैरत से भागने लगा। देख रहा है कि जिस औरत को मर जाना चाहिए तो वो मरी नहीं है, आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला पढ़ रही। आप भी नमाज पढ़ो, और अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बहनों को, बीवियों को एक बात समझाओ, जो बात मैं आपको जल्दी से समझा के भाग जाना चाहता हूँ। ये देख लो मेरी तरफ देखो, ये क्या है? बोलो ना, मास्क क्या है? मास्क है ना? बस यही समझा दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को यही समझा दो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है हजरत, कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इसे नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो जरा बेपर्दा बेटियां से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी बीमारियों से बचा सकता है, कितनी बेहयाइयों से बचा सकता है, कितनी बीमारियों बेहयाइयों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जहां रहिए, जिस हाल में रहिए, पाक रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। जिसको नहीं पढ़ना है, जिस पे फर्ज नहीं है, वो नमाज लेके ढो रहा है। अच्छा, और जिसको नमाज पढ़ना है, ये पीर साहब का पांव दबाने में परेशान। सही कह रहे, वाह पीर साहब का पांव दबाने परेशान, उनके बाबा दादा के मजार पर 1,000-5,000 की चादर चढ़ाने में परेशान है। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने 5,000 की चादर चढ़ाई है किसी मजार पर और तेरे समाज में एक बेटी बगैर दुपट्टा के है, तो अफजल है तेरे लिए कि मजार की चादर छोड़ दो और अपने गांव की बच्ची को दुपट्टा अदा कर दो। अपने पीर का हाथ बाद में चूमना, अपने बाप का हाथ पहले चूमो, समझे? ऐसा चूमेगा जिसे लगता है सारा जुकाम उसी हथेली में रख देगा, ऐसा हिल हिल के चूमेगा। अम्मा का कभी ना मैं नहीं लिया। आखिरी जुमला सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी के हम असर औलिया-ए-किराम ने कहा, भाई
वो कौन सी इबादत, कौन सा वजीफा, कौन सा जिक्र है जो तुम हमसे दर्जे में बुलंद हो बलायत में। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, कसम परवरदिगार के किसी वजीफा ने मुझको बुलंद नहीं किया। का फिर बोला, कड़ाके की सर्द रात थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया तो मेरी माँ को नींद आ गई। फजर की अजान तक पानी का प्याला पकड़े उस कड़कड़ाते मौसम में मैं माँ के पैरों के करीब खड़ा रहा। माँ की आंख अजान की आवाज सुनकर खुली तो माँ ने पूछा, बेटा कब से हो? तो मैंने बताया कब से हूँ। तो मेरी माँ ने अजान के बाद आंचल उठाकर कहा, मौला मेरे बेटे ने जो मुझसे मोहब्बत की है इसके सदके में वलायत का इतना बड़ा दर्जा दे देना कि इसके हम असर में कोई इसके करीब तक न पहुंच पाए। तो ऐ लोगों, माँ की दुआएं। मैं अकबर भाई और उनकी कमेटी आशिकाने रजा से मिलिए जी 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 हेलो आशिकाने रजा नौजवान कमेटी, मैं आपके हौसलों को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। आपने जो पाबंदी नमाज पढ़ने का वादा किया है इसे पूरा पूरा। मैं तो बहुत मूड में था मगर आप लोग मुझको मेरे जहन को खोल नहीं सके, इसका मुझे अफसोस है। मगर इतनी बात याद रखिएगा कि मेरे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मालूम है, जब हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए और इजाज़त पाकर जब मेरे नबी की रूह निकालनी चाहिए तो मेरे नबी ने कहा, ठहर, हाथ रख कर मलकुल मौत ने हटा लिया। तो मेरे नबी ने कहा कि मलकुल मौत, इससे आसान तरीका नहीं था रूह निकालने का? क्या या रसूल अल्लाह, जो मेरे कब्जे में सबसे आसान तरीका था वही मैंने दिया। तो मेरे नबी ने कहा, मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते? क्या ये ना पूछा जाए? तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की कलाई पकड़ कर कहा, मलकुल मौत मुझसे वादा कर कि कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूँगा मगर मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। इसलिए उस रसूल को खुश करने के लिए, खुदा की रहमतों को खुश करने के लिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। जिंदगी ने अगर वफा की, फिर कभी जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई, आपने हमें बुलाया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूँगा और आप हजरात की समातों के हवाले होने की सआदतें हासिल करूँगा।